तो जी गुलमर्ग पहुंच कर जब हम लोग स्नो एक्टिविटीज करने निकले तब हम लोग को एक बंदा मिला जो वहां के स्लेज चलाने वालों के लीडर टाइप कुछ था और हम लोग को लूटने का भी कोशिश किया बोलकर कि वहां पर कुछ पॉइंट्स है जो स्लेज में कवर कराएगा और उसका 6,000 रुपए लगेगा पर पर्सन का, जो हम लोग को सही नहीं लगा। तो हम लोग पैदल ही निकल पड़े। फिर कुछ दूर जाने के बाद हम लोग को और स्लेज वाले मिले जो हम लोग को 1,000 रुपए में वही सब पॉइंट्स लेकर गए। बाय द वे वहां पर सारे जो पॉइंट्स है लाइक चर्च, शिव जी का मंदिर, इग्लू कैफे, वो सब आप पैदल ही घूम सकते हो। कुछ 1.5-2 किलोमीटर के अंदर सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। बट स्टिल अगर आपको चलने में दिक्कत होता है बर्फ में तो आप स्लेज कर सकते हो और उसका भी अलग एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। लेकिन वहां पर तुरंत किसी का भी यकीन मत करना, थोड़ा टाइम लेकर बार्गेनिंग करके डिसीजन लेना। फिर हम लोग स्लेज में निकल पड़े शाम के टाइम बर्फ में थोड़ा मस्ती करने और फिर हम लोग गए इग्लू कैफे जो वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफे भी है। तो अगर आप विंटर में जाते हो तो ये कैफे आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग को जाना था गंडोला राइड के लिए बट बहुत लेट हो गया था, हम लोग को 3:30 बज गया था। तो गंडोला करना सही नहीं होता हम लोग के लिए क्योंकि 4:30-5 बजे तक जो हम लोग को फिर रिटर्न करना होता है। गंडोला जाने के लिए जो सुबह का टाइम सही रहता है, तब आपके पास पूरा दिन रहता है अच्छे से एंजॉय करने का।